सवाल आपने किया, मैंने नहीं किया। अब 150 से ज्यादा बीजेपी के एमएलए के पास चार चार पांच पांच बच्चे हैं, उनको टिकट नहीं देगी बीजेपी, बताइए। वो तो रिपोर्ट मीडिया ने, आपने रिपोर्ट किया मीडिया ने। हमारा बोलना ये है कि मोदी सरकार ने 2019 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि रिप्लेसमेंट रेट उत्तर प्रदेश का 2025 में 2.1 हो जाएगा। तो जब रिप्लेसमेंट रेट 2.1 हो जाएगा तो ये हिंदुत्वा के ये ब्रिगेड को ये लॉ लाने की क्या जरूरत? या तो मोदी सरकार झूठ बोल रही है या योगी सरकार झूठ बोल रही है। दूसरा, मोदी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जिसमें कहा कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शोज दैट एनी कोअर्शन टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। तो ये योगी 56 इंच के खिलाफ जा रहे हैं या 56 इंच योगी के मातहत है? तीसरी बात यह है कि जो NFHS डेटा है जिसमें ये कहा गया कि जो 99-2000 का NFHS डेटा अभी तक नया वाला रिलीज नहीं हुआ, उसमें यह कहा गया कि TFR डिक्लाइन हुआ है हिंदुओं में 1.2 और मुसलमानों में 1.66। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये झूठ है सच है बता दे बीजेपी वाले। चौथी बात यह है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट है पॉपुलेशन का, यानी वो तो गिर रहा है ना, यानी हमारा जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं गिरेगा, जब क्या करेंगे आप? पांचवी अहम बात ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कह रहा हूँ, पूरे देश के नौजवान पूछ रहे हैं, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो भारत में है वो लास्ट करेगा 2050 तक। हमारा 65% ऑफ पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र का है, आप उनको नौकरी क्यों नहीं दे रहे? कहाँ गई नौकरी आपकी? करोड़ों नौकरियां चले गए आपके कोविड के सेकेंड वेव के मिसमैनेजमेंट के बाद। कारोबार ठप हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं, उसकी फिक्र नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में यह कहा कि भारत में सीवियरली एक्यूट मेल नरिश जो चिल्ड्रन है, छः महीने से छः साल के दरमियान में, वो जुमला 9,27,000 है जिसमें से 4,00,000 तो उत्तर प्रदेश में है। इनको शर्म नहीं आती इस बातों पर कि पूरे गवर्नमेंट कह रही है पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में कह रही है कि पूरे भारत में सीवियरली एक्यूट मेल नरिश जो चिल्ड्रन है 6 महीने 6 साल के दरमियान में 3,00,000-4,00,000 करीब तो उत्तर प्रदेश में है, और आप फिक्र कर रहे हैं पॉपुलेशन की। अच्छा, अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ का मामला है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ को, क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, रूरल उत्तर प्रदेश में 13,944 सब सेंटर्स का शॉर्टफॉल है? सब सेंटर्स होना चाहिए 34,726, आप कर रहे हैं खाली 20,000, और आप कर रहे हो पॉपुलेशन के ऊपर, शर्म नहीं आती उनको झूठ बोलते हुए? पब्लिक हेल्थ सेंटर्स 5,781 का रिक्वायरमेंट है, आपके पास खाली 2,936 है उत्तर प्रदेश में। इनको शर्म नहीं आती इसके ऊपर? धोखा दे रहे उत्तर प्रदेश जनता को। और फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 53% शॉर्टफॉल है, यही योगी सरकार का पोल मोदी सरकार खोलती है पार्लियामेंट में 22 नवंबर 2019 को, क्या कहती है कि उत्तर प्रदेश में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में 4,509 डॉक्टर्स का सैंक्शन स्ट्रेंथ है। कितने काम कर रहे हैं योगी के दौर में? 1,344। क्या प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर देश की उत्तर प्रदेश जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं? कौन सा मेडिकल हॉस्पिटल इनॉग्रेशन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जब ये रिप्लाई है कि 4,509 डॉक्टर्स की जरूरत है, आप कहने खाली 1,344 काम कर रहे हैं? डेफिसिट है 2,700
2277 का, ये चीजें नहीं करेंगे, खाली बस बातें करेंगे, नफरत फैलाएंगे। यही चीज है जो उत्तर प्रदेश की जनता इनसे तंग आ चुकी है, और इसका बेहतरीन जवाब देगी उत्तर प्रदेश की जनता। जब लाशें पानी में बह रही थी, कोविड के लिए ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, इसका जो जवाब ही नहीं है। मगर आप बोलेंगे हम पॉपुलेशन के ऊपर बिल बनाएंगे, सब झूठ है। इनके मेरे सवालों का जवाब दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को। सर, आप समझते हैं कि दे फॉलो व्हाट दे डू, आप ही एक्शन करेंगे, आप ही फॉलो करेंगे क्या? मैं देखिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप मुझसे सवाल किए योगी सरकार के ये स्टेप का, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। और आपको बता रहा हूं कि मोदी सरकार ये कह रही उत्तर प्रदेश के बारे में, उनकी नाकामियों का पूरा खुलासा मैं आपसे कर रहा हूं। मैं देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, जो सरकार में उनसे सवाल हम कर रहे हैं और सवाल करना चाहिए, उनकी पॉलिसी के ऊपर हमने ये सवाल उठाया है जो हम मानते हैं भारत के और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए गलत ये इनका उठाना है। आप नाकाम क्यों हो रहे हैं? 4 लाख एक्यूट मेल नरिश चिल्ड्रन है आपके उत्तर प्रदेश में, शर्म नहीं आती उनको? डॉक्टर्स के पोस्ट हजारों में खाली हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बंद पड़े हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बंद पड़े हैं, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होगा 2025 में, पॉपुलेशन जो आपका 60 इयर्स एंड अबव जो है वो 23.1 हो जाएगा आपका ओल्ड एज 60 इयर्स का अबव पॉपुलेशन 2036 में। बताइए सब चीजें क्या है, फिर एक एक चीज का जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं जवाब देते हैं क्या ये लोग। हाँ, बखूबी निभा रहे हैं ना, 4 लाख सीवियरली एक्यूट माइल नरिश चिल्ड्रन है। ये इश्तिहार भी निकालो, आप बोलिए ना आपके चैनल के जरिए जी टीवी को बोलिए कि भैया वहां पर 4509 डॉक्टर्स की जरूरत है, खाली 1344 काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? आप ये पोस्ट फिल नहीं करेंगे, आपके पास शॉर्टफॉल है पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में 13944 का। आप पॉपुलेशन की बात करते हैं हा? और आपके पास ये सब सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, स्पेशलिस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 84% का शॉर्टफॉल है, और आप बात करेंगे पॉपुलेशन की। और याद रखिए, पॉपुलेशन इस तरह से करने से डेटा है 93% सिर्फ औरतों का स्टरलाइजेशन होता है। आप राशन नहीं देंगे, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इस तरह का कानून भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ भी है, पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले मैं क्या करूं मेरी बॉडी से? क्या मैं बोल रहा हूं आपको शादी करो जाके? क्या मैं बोल रहा हूं जिस बीवी को आप छोड़ के रखे हो उसको घर में लाके रख लो? मैं तो नहीं कह रहा हूं ना ये बात, मैं तो आपको छोड़ दिया हूं। आप नहीं करते मत करिए, नहीं बुलाना चाह रहे मत बुलाइए, पर आप कौन होते भाई कि मैं ये जब ये तमाम डेटा कह रहा है, प्राइवेसी है ना आपकी, आपकी प्राइवेसी है, मुबारक हो, हम आपको कभी नहीं आपके घर में झांक के नहीं बोलेंगे कि आपकी बेगम साहबा कहाँ है, किधर है, या आप क्यों नहीं कर रहे शादी, तो आप पे छोड़ देश के ऊपर है, मगर आप क्यों होते बोलने वाले सब चीजें? तो संविधान के खिलाफ है ये। सर, मैं जितने 6-7 पॉइंट को उठाया हूं, जी टीवी को चाहिए या तमाम आप चैनल्स को कि मुझे झूठा साबित करें आप। चलिए सर, आपको क्या लगता है कि ये विकास के मुद्दे और ये दलितों का, मुसलमानों का वो लेके आप उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्म करेंगे? इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपने कह दिया इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। इन सब चीजों से आप गेन करेंगे, आप पहली बार जा रहे हैं? पहली बार कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? हमने 5 साल पहले चुनाव लड़े थे, उसके अभी 2 महीने पहले हमने जिला परिषद में हमारे अच्छे खासे कैंडिडेट जीते हैं, बहुत से जगहों पर हमने सेकंड पोजीशन पर आए, हमारा संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है पहले के बनिस्बत। अरे भाई, आप भी पंडित हम तो गरीब मुसलमान है। अब पंडित डिसाइड करेगा मुसलमान जीतेगा नहीं जीतेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना उत्तर प्रदेश सरकार में, जहां पर दलित है, जहां पर मुसलमान है, जहां पर ओबीसी है। अरे आप यकीनन आप बहुत बड़े हैं, मैं जानता हूं, मगर हम भी तो छोटे नहीं है। क्या यूपी में MIM आपका खुद का प्रेजेंस बना पाएगी इलेक्शंस में?
अरे माशाल्लाह से जब लैला जाती है तो पूरे मजनू आप तरह के पीछे आते हैं ना हमारे, इसीलिए तो प्रेजेंस है बोल के आते ना आप तो हर एक के पीछे नहीं जाते ना, कुछ होगा तो जाते ना। ICMR का एक स्टडी है जिसमें कोविड केसेस बहुत ज्यादा बताए गए हैं, पर यूपी, आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन प्रिटिंग इन सेकंड वेव ऑफ कोविड, तो उस पे अपन नहीं, मैंने तो ICMR डेटा का हवाला देते हुए कहा है कि सीरो सर्वेलेंस उत्तर प्रदेश में 71.0 है, और आप बता रहे हैं केसेस कितने अंडर काउंटिंग का खुद दे रहे हैं, जब सीरो सर्वेलेंस 71% है तो भैया आप इतना अंडर काउंटिंग क्यों कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं। इससे बात जाहिर हो गई कि उत्तर प्रदेश में खुद, मैं फिर से कह रहा हूं, सेकेंड वेव में 3.5-4 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं जो योगी सरकार छुपा रही है, यह डेटा है ना सर। आपका सीरो सर्वेलेंस अगर 71% होगा, ये भी समझ में नहीं आएगा फंटा पीने वालों को। पार्लियामेंट में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, पेगासस में आप क्या कहते हैं? पेगासस पे ये कहना है कि पेगासस को ये सरकार इस्तेमाल करके इलीगल काम किया है, हैकिंग किया उन्होंने। हैकिंग लीगली इलीगली अलाउड नहीं है। और आप जब इसराइल में इंक्वायरी हो रही है, फ्रांस में हो रही है, आप क्यों नहीं करना चाह रहे? अरे राहुल गांधी दो बोलो ना, कोई हां राहुल गांधी उठा रहे हैं देखो, हां अपना फोन इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए दे दे। नहीं, वो जर्नलिस्ट को बोल दीजिए, आप किसको दें भाई? नहीं, किसको आपको दें? जीटी वापस भेजें? हां नहीं कि आपको भेजें क्या? उसके तरीकेकार क्या है कि आप एक कमीशन बनाइए, कुछ तो बनाइए, उनको भेजा सकते हैं। नहीं नहीं, अरे ना सिर्फ वो बल्कि बहुत से, हम भी भेजेंगे हमारा फोन, मैं ही भेजाता हूँ। नहीं नहीं, नहीं मालूम मेरे को, भेजाता हूँ पर किसको भेजाऊँ? किसी स्टूडियो को तो नहीं भेजा सकता ना। नहीं नहीं, स्टूडियो को तो नहीं भेजा सकते ना प्रसाद साहब। आप बनाइए कि भैया हम बना है, इंक्वायरी करेंगे, आप बोलिए पूरे 540 MP भेजाइए, हम भेजा देंगे। अरे सरकार देखिए, सरकार जो है तैयार है नहीं है, आप पूछ लीजिए, तैयार है तो फोन भेजा देंगे, जर्नलिस्ट लोगों का भेजा है, और उन जर्नलिस्ट का जो सरकार की गलत पॉलिसियों की स्टोरीज ब्रेक कर रहे थे, अब उनका फोन हैक करें आप। अच्छा, खुद उसमें नाम आ गया आपके दो मंत्रियों का, आपके मंत्री का नाम आ गया ना, जो बेचारे स्टेटमेंट पढ़ रहे उनका भी नाम आ गया। इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? क्या नहीं नहीं, हम एक नहीं, सरकार एक जवाब दे दे, आपने पेगास NSO से पेगासस खरीदा नहीं खरीदा? क्योंकि NSO ने कह दिया कि हम गवर्नमेंट वेटेड गवर्नमेंट्स को देते हैं, आपने उसको इस्तेमाल किया नहीं किया, बता दीजिए ना। इतना शर्मा क्यों रहे हैं? जब आपने हैक किया है तो इकरार करिए, क्यों हैक किया आपने, क्या हासिल करेंगे, डेमोक्रेसी का क्या होगा फिर? किसको दें भाई, किसको दें? आपको दे दें? आपको देने से कुछ होगा? आप तो आप TRP नहीं नहीं सुनिए, किसको दें? किस पे तो भरोसा करना चाहिए? भरोसा तो सरकार को हम कह रहे हैं कि आप बनाइए ना इंक्वायरी, चलिए इंक्वायरी कराइए। आप इंक्वायरी नहीं करना चाह रहे, आप तो भाग रहे हैं, इंक्वायरी कराइए। हाँ तो आप सरकार डिबेट कराने तैयार हो जाइए, चलिए डिबेट होने दीजिए, पार्लियामेंट चलना चाहिए। मैं जानता हूँ मुझे भी तकलीफ है पार्लियामेंट नहीं चल रही है, पार्लियामेंट चलना चाहिए, डिबेट होना, डिबेट कराइए, डिबेट हम अपनी बात करेंगे, कोविड पे डिबेट होगी, LAC पे डिबेट होगी, सब पे डिबेट होना चाहिए ना। सरकार सिर्फ अपने दिन में ब्रूट मेजोरिटी के ऊपर अपने बिल्स को पास करा रही है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आप डिबेट करवाइए, चलिए आप कल मंडे के दिन बोलिए कि हम तैयार हैं पेगासस पे डिबेट करिए, चलिए बोलिए, हम बोलेंगे, अपनी बात करेंगे। आप डिसएग्री करिए, हमारी बात तो सुनिए, आप क्यों डर रहे हैं? 300 MP रख के डर रहे हैं लोकसभा में आप? इतना तो डरना नहीं चाहिए ना, जरा समझाइए, आपकी बात सुन ले शायद। सर आप वोट अप्रोच कर सकते ना सर, आसाम और मिजोरम में जो चल रहा है, आसाम के सीएम पे एफआईआर। अरे ये आसाम के सीएम साहब तो नीडा के कन्वीनर हैं, नीडा के कन्वीनर हैं, उस पर केस बुक हो गया है। अमित शाह होम मिनिस्टर के जाने के बाद मिजोरम और आसाम की पुलिस पर फायरिंग होती है, मशीन गन LMG से,
पांच जख्मी, 40 जख्मी, 6 की मौत हो जाती है। क्या हो रहा है भाई, हो क्या रहा है, ये क्या खेल रहे हैं ये लोग? ये तो दो कंट्री नहीं ना, ये तो एक कंट्री के दो स्टेट हैं। तो ये सरासर इनकी बीजेपी की नाकामी है। अरे जो अपना रहा है उनसे पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे आप? मैं क्या ठेका लेके रखा हूँ रेखा? जो जो अपना रहा है उनसे पूछिए आप, LAC पे नहीं पूछेंगे उसमें। देखिए ये जो टॉक्स आखिरी कब हुई थी, 9 अप्रैल को हुआ था, अब 31 जुलाई को टॉक्स हो रहे हैं, और चीन बात नहीं करना चाह रहा डेपसांग और डेमचौक पर। मैं देश की जनता को कॉशन कर रहा हूं कि चीन डेपसांग पर बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि चीन की बुरी नजरें साइचन पर पड़ चुकी हैं। डेपसांग और डेमचौक पे चीन बात ही नहीं करना चाह रहा, हॉट स्प्रिंग गोगरा पे बात कर रहे हैं। आखिरी बातचीत हुई थी 9 अप्रैल को, आज 31 जुलाई हो गया। क्यों नहीं भारत सरकार असदुद्दीन ओवैसी को ले जाकर दिखाती है, ये देखो ये डेमचौक है, ये डेपसांग है, ये गोगरा है, ये हॉट स्प्रिंग है, हम उसके साथ, हम ANI के हमारे प्रमोद को साथ लेते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी और प्रमोद ANI जाते हैं, दिखाइए हमको डेमचौक डेपसांग में, चीन वहां बैठा ही नहीं है। भारत की टेरिटरी में चीन बैठा हुआ है, ये सरासर भारत के लिए नाकाबिले कबूल है। ये भारत की सॉवरनिटी को ललकार रहा है चीन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चीन ललकार रहा है, चीन कब्जा करके बैठा है, और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चीन निकलता ही नहीं है। वो इतना चैन से बैठे हैं कि चीन बोल ही नहीं सकते अपनी जबान से। क्यों नहीं बोलते, क्यों डरते हैं चीन से देश के प्रधानमंत्री? अब भाई ये बैठा हुआ है ना पूरा जाकर, भाई कोई जर्नलिस्ट को नहीं ले जाते, कोई MPs को नहीं बताते, ले जाकर दिखाई ना, चलिए जर्नलिस्ट को दिखाइए कि ये डेपसांग है, ये डेमचौक है, ये गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है। क्या अप्रैल 2020 का स्टेटस को एंटी रेस्टोर हुआ? नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने देश को झूठ कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई है वहां पर, तो फिर आप किस क्या बात कर रहे हैं लोगों से? इंडिया की टेरिटरी के अंदर डेपसांग डेमचौक में चीन बैठा हुआ है, और हमारे भारत की सिक्योरिटी के लिए डेपसांग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये सरकार खामोश बैठी हुई है। क्या सोल्यूशन निकल रहा है बताइए? आखिरी बातचीत हुई थी 9 अप्रैल को, अब 31 जुलाई को बातचीत कर रहे हैं। बातचीत क्यों कर रहे हैं चीन को कि वो स्टेटस को एंटी रेस्टोर करे अप्रैल 2020 का? तो क्या मोदी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने झूठ कहा? नहीं कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है बैठा हुआ है।